Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. Students, why we have opened this chapter today? Do you have any idea? Because we are having our periodic test. Hamari exam chal rahi hai na. So we are not going to learn further. We will just revise the chapter. Our first chapter was our environment and it we have seen about our surrounding, हमारे आजू बाजू क्या होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा था. जैसे कि सन राइजिंग वो नेचुरल एक्टिविटी होती है, प्लांट हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है ना. फिर हमने और क्या देखा था, ये सब हमने देखा था ना, दैट वी शुड कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, हमें हमारा सराउंडिंग अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये सब हमने देखा था ना. फिर हमने वर्कबुक में ये किया था, है ना, क्या किया था, मैचिंग किया था, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, फिश लिव इन वाटर, दिस लायंस लिव इन द जंगल एंड फार्मर लिव इन द विलेज, राइट. फिर हमने ये क्या है, ये सब हिल, माउंटेन एंड हिल्स, सी, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब पिक्चर्स के नाम देखे थे, है ना. सो वी लेट्स सी इन आवर नोटबुक ऑल्सो वॉट वी हैव डन. सी दिस इज आवर नोटबुक, हियर इज डिक्टेशन वर्ड्स, आपको ये सब स्पेलिंग लर्न करनी थी. देन फिलिंग द ब्लैंक्स, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा किया था, वो आपको एग्ज़ाम में आया ना, आने वाला है. सो आपको सब चैप्टर्स के 1, 2, 3 चैप्टर्स के फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं. एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज अवर एनवायरनमेंट. आई विल गिव यू ऑप्शन फॉर द आंसर, मैं आपको बाजू में ऑप्शंस दूंगी ताकि आप इजीली राइट कर सको, है ना. डैश लिव्स इन अ विलेज, फार्मर कहाँ रहता है, फार्मर विलेज में रहता है. फिर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वाटर एनिमल्स लिव इन द वाटर, ये सब हमने क्या किया था, देखा था ना. आंसर द फॉलोइंग, ये सब कुछ 1-1 marks का ही होगा, है ना. आपका क्वेश्चन में आएगा ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इस तरह से 1 word में भी आप लिख सकते हो और सेंटेंस में भी आप लिख सकते हो. फिर क्या है, सी अच्छे से स्टडी करना ये सब. हमारे सीजन्स कितने हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, है ना. और व्हाट इज एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना. फिर ट्रू और फॉल्स आएगा के स्टेटमेंट, आपको पढ़ के बाद में वो देखना है कि वो सच्चा है, राइट है कि रॉन्ग है. देखो बर्ड्स लिव इन वाटर, ये बर्ड्स लिव इन वाटर फॉल्स है. सन राइजिंग इज द नेचुरल एक्टिविटी, ये ट्रू है. इस तरह से आपको ये स्टडी करना है ना. राइट और रॉन्ग, यस, आपको ये सब रिविज़न करना है. ये स्पेलिंग्स का मैंने आपको वर्कशीट्स दी थी ना, उसमें मैंने आपको पजल्स दिए थे. सी ये आपकी वर्कशीट थी ना एनवायरमेंट की, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए थे आपको फाइंड करने थे, जैसे कि TREE, तो देखो TREE ऐसे करके हम कर सकते हैं. ये भी मैं आपको एग्जाम में पूछूंगी. फिर SEAC, देखो सी. फिर श्रब्स, SHRUB, श्रब्स, देखा ये हो गया. फिर अर्थ, EARTH, अर्थ, देखो इधर EARTH, अर्थ, देखा. फिर है बर्ड, BIRD, बर्ड, ऐसे करके आपको वर्ड फाइंड करने है. फिर हील, ऐसे, है ना. ये भी आपको एग्जाम में एक्टिविटी में काम आएगा, जैसे ये कंप्लीट द वर्ड्स, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग दी ही हुई है, आपको खाली कंप्लीट करना है. CREEPERS, क्रीपर्स,
आर देखो यहाँ पे आर आई वी ई आर रिवर, फिर सेकंड नंबर पर ग्रोथ है जी पी एल ए एन टी एस प्लांट्स जी आर ओ डब्ल्यू टी एच ग्रोथ देखा। फिर आपको ऐसे पिक्चर्स ड्रा करने के लिए स्पेस दी गई होगी, वो आपको करना है ना। फिर वर्कशीट नंबर टू में भी देख लो एक बार क्या क्या है, वर्कशीट देख लेते हैं ना। सी यहाँ पे मैंने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं, हैंड्स एच ए एन डी एस हैंड्स, फिर हेड एच ई ए डी हेड, हेयर एच ए आई आर हेयर, देखो टीचर कैसे ढूंढ रही है, ई वाई ई एस आईस, सी हर एक सेंटेंस में कुछ है, ईयर्स इधर देखो ईयर्स है, इधर हैंड्स आ गया, हेड आ गया, आईज आ गया, ईयर्स आ गया, लेग लेग आ गया, फिर टो टो आ गया, हेयर हेयर आ गया, नोज एन ओ एस ई नोज, सी टीचर ने कैसे टेढ़ा पूछा है ये नोज, फिर नेक एन ई एन ई सी के नेक, फिर नी डबल ई के एन ई ई नी, देखा। इस तरह से आपको वर्ड्स फाइंड करने होंगे पजल्स में, फिर आईज और ये सब ड्रॉ करना है आपको बॉडी पार्ट्स है ना। देखा इस तरह से आपको आपका ये चैप्टर 3 तक रिवाइज करना है, ये एमसीक्यू मैंने पूछे हैं, ये आप देखना आपके क्वेश्चन में है, मैं पूछूंगी है ना। आप लोग एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जैसा मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में करवाया है प्लीज़ वैसा ही आंसर लिखना, वरना आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है ना। सो लेट्स सी चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था हमारी बॉडी, क्या पढ़ा था, हाँ हमारी बॉडी, हमने हमारी बॉडी के बारे में पढ़ा था, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, हमारे हैंड्स और लेग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने वो पढ़ा था है ना। हम वॉक कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, हम चीज़ें हाथ से उठा सकते हैं, हमने हमारे बॉडी के सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी स्टडी किया था ना। यस हमने लिखे भी थे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के नाम, और हमने क्या देखा था कि हमें फिजिकल यानी कि जिसके हाथ पर नहीं होते हैं वैसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए है ना। हमने ऐसा सीखा था कि नहीं सीखा था, हाँ ऐसा सीखा था ना। फिर हमने मैथ द फॉलोइंग किया था, सेंटेंसेस लिखे थे है ना। देन सी यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं ना आपको, ये आपको लर्न करने हैं, मैं आपको पूछ सकती हूँ कैसे भी, वो जो हमने देखा ना पजल वाला उसमें आपको ये काम आ सकता है राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1-1 मार्क के आएंगे ये। आंसर द फॉलोइंग मेन राइट द मेन पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये सब मैं पूछ सकती हूँ आपको है ना। 5 ही क्वेश्चन होंगे शायद या फिर 6 भी हो सकते हैं, बट आप लोग रीड करना प्रॉपरली फिर आंसर देना, रीड करने का ट्राई करना, ना समझ पड़े मम्मी को पूछना, बट डोंट कॉपी ओके। सी यहाँ पे भी मैंने एमसीक्यूज आपको बताए थे, एमसीक्यूज पूछे गए हैं हमारे, देखो है ना एमसीक्यू भी आने वाले हैं। मैथ द फॉलोइंग पूछा गया है ना, सी मैथ द फॉलोइंग भी एग्जाम में आएगा, आइस होगी तो आइस से करना, मिक्स आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही पूछूंगी हेयर को हेयर से, नहीं मैं ऐसा भी इसका मैथ द फॉलोइंग पूछ सकती हूँ और साथ में
इधर जो है मैंथ प्लानिंग वो भी पूछ सकती हूँ देखो, और उसी के साथ बाद में इधर मैथ द फॉलोइंग है वो भी पूछ सकती हूँ। बाद में चैप्टर थ्री में जो मैथ द फॉलोइंग नहीं है, चैप्टर थ्री में है वो भी पूछ सकती हूँ, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, है ना। तो आप लोग एक बार देख लेना। ओके देन रिवाइज इट एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।